सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष महोदय, लिबाज जो है माननीय नेता जी, आज बाहर मौसम कितना बढ़िया है। मौसम बहुत अच्छा है, नहीं मत करिए उसको, बाहर का प्रभाव अंदर आने दीजिए। बाहर ठंडा है, अंदर गर्म। कुछ स्थानों पे तूफान आया हुआ है, अब तूफान का असर यहाँ दिख रहा है। एक बहुत छोटी सी मेरी व्यवस्था है, सुन लें आप लोग। आप सभी को ज्ञात है कि विधानसभा की कार्रवाई को सीसीटीवी के माध्यम से विधानसभा परिसर में स्थित सभा के पदाधिकारियों सहित माननीय मंत्रियों के कक्ष में लगे टीवी पर प्रसारित किया जाता है, जिसका उद्देश्य केवल यह है कि माननीय पदाधिकारीगण एवं मंत्रीगण अपने कक्ष से अवलोकन कर सकें कि सभा में किस विषय पर चर्चा हो रही है। लेकिन कल मेरी जानकारी में यह तथ्य आया है कि विधानसभा की कार्रवाई में कुछ अंशों को इन कक्षों में से में लगे किसी टीवी से मोबाइल द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग कर उसे सोशल मीडिया में वायरल किया गया है, जो बहुत ही आपत्तिजनक है और विधानसभा की गरिमा एवं प्रतिष्ठा के विपरीत है। विधानसभा की कार्रवाई अधिकृत रूप से जारी नहीं हो जाती तब तक उसे सोशल मीडिया में जारी करना और सोशल मीडिया द्वारा वायरल किया जाना संसदीय परंपरा के विपरीत है और यह सभा के विशेषाधिकार के उल्लंघन की परिधि में आता है। अतः मेरा अनुरोध है कि जिन कक्षों में विधानसभा की कार्रवाई का प्रसारण सीसीटीवी के माध्यम से होता है, उसकी गोपनीयता बनाए रखना ही हम सभी का दायित्व है। मैं समझता हूँ भविष्य में इस बात की पुनरावृत्ति नहीं होगी। बस इतने कहना। इसी सदन की कार्यवाही सोशल मीडिया में माननीय मुख्यमंत्री की 500 बार चलती है, अब उस पर क्या व्यवस्था, आपकी व्यवस्था हम चाहते हैं। उसको कौन रिकॉर्ड किया? यदि डीपीआर ने रिकॉर्ड करवाया, विधानसभा ने उसको जारी की कि कक्ष में रिकॉर्डिंग की गई, पर मुख्यमंत्री जी का सोशल मीडिया में विधानसभा का बयान चलता है, ये कैसे होता है? चलिए, बहुत बड़ी बात है माननीय अध्यक्ष, उसको भी देखिए, आपकी व्यवस्था नहीं चाहिए। गंभीर मामले पूरे आधे आधे और विशेषाधिकार का प्रकरण बनाना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर हम लोग करेंगे तो हमारे खिलाफ शिकायत हो जाएगी और मुख्यमंत्री का बयान हो जाएगी। सोशल मीडिया पर चलता मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य मंत्री का बयान अगर सोशल मीडिया में चलता है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। कौन करता है? उसकी जांच होनी चाहिए। कौन करता है? कौन करता है? वीडियो तो किसने वायरल किया, ये जाहिर होना चाहिए। इसमें जांच कमेटी बननी चाहिए माननीय अध्यक्ष महोदय। यदि प्रश्नकाल में आपने व्यवस्था की है, अगर हम तो आपको धन्यवाद देंगे कि आपने संज्ञान लिया। हम लोगों के विशेषाधिकार की सूचना देने के पहले तो विशेषाधिकार के माध्यम से आप इसके ऊपर में अभी तुरंत चर्चा करवाएं कि ये विशेषाधिकार है और ये विशेषाधिकार के माध्यम से इसकी जांच करवाई जाए। हम ये आपसे क्योंकि हमने व्यवस्था नहीं है, ये सब भ्रम है, ये विशेषाधिकार भ्रम है, ये सदन का अपमान है, ये सदन का अपमान है। इसके ऊपर में तुरंत चर्चा होनी चाहिए, विशेषाधिकार भंग के प्रस्ताव के ऊपर में। माननीय प्रस्ताव, माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने कहा सोशल मीडिया में जो प्रसारित वाले समाचारों के बारे में आपने कहा है माननीय अध्यक्ष महोदय कि जब तक अधिकृत रूप से जारी नहीं हो जाते हैं, ये कहां पर कहा गया है? कि दूरदर्शन से डीपीआर लेता है, क्या होता है? माननीय अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष महोदय यहाँ जो व्यवस्था है अभी तक प्रश्नकाल का विशेषज्ञ एक प्रश्नकाल का है, दूसरा जो बजट प्रस्तुत होता है वायरल करवाए और बजट प्रस्तुत करने के बाद उसके अलावा
मुझे लगता है कि ना तो सदन के नेता को कोई अधिकार है, ना नेता प्रतिपक्ष को अधिकार है कि उनका वीडियो वायरल हो जब बोले और बाकी सदस्य को ना हो, और ना हमारे संविधान में ऐसी यहाँ की हमारी प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली में कोई व्यवस्था है। और यदि इसके विपरीत जा करके यदि यहाँ पर कार्रवाई हो रही है तो निश्चित रूप से घोर आपत्ति का है। और जिस बात को प्रधान जी ने उठाया है निंदनी, मैंने कि इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद में उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। और अभी चर्चा होने वाले समय में प्रतिबंध लगेगा, इस पर चर्चा होनी चाहिए। नहीं मैंने ये भी हमारे इतिहास में पहली बार हो रहा है। चलिए, और आपने प्रश्नकाल में व्यवस्था दी है और जब आपने प्रश्नकाल में व्यवस्था दी है तो इसके ऊपर में चर्चा तुरंत प्रारंभ होनी चाहिए। सदन की सारी कार्यवाही रोक कर, अधिकार का मामला है, सदन की सारी कार्यवाही रोक कर सदन की समिति को सौंप दिया जाए, इसके ऊपर में तुरंत चर्चा होनी चाहिए। चर्चा के बारे में आपने व्यवस्था दी, उसके बारे में मैं व्यवस्था दे रहा हूँ, निर्णय लूंगा मैं इस संबंध में। अपनी व्यवस्था दे दी है और भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो इस बात का अनुरोध किया है आप लोगों से, इसलिए अब इस पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं। ये गलत है, 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 ये बहुत बड़ा विषय है, आपकी व्यवस्था का विपरीत। अगर आपको प्रश्नकाल में व्यवस्था दी है, गंभीर विषय है, इसके ऊपर में बहुत बड़ा विषय चाहिए, ये गंभीर विषय है, गंभीर विषय है। आपने स्वयं ने संज्ञान में लिया है, अगर मुख्यमंत्री प्रिविलेज का दुरुपयोग करे, अगर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का वीडियो वायरल हो जाए, संसदीय कार्य मंत्री इससे अब अध्यक्ष जी जो व्यवस्था दे रहे हैं उसको भी नहीं मानोगे क्या? अरे हमको मालूम है क्या मानना है क्या नहीं, अध्यक्ष का व्यवस्था का सम्मान करो। अध्यक्ष चर्चा होती है, अध्यक्ष महोदय वैसे भी ये सदन अभी संकट में है, बहुत संकट में, क्योंकि सत्ता पक्ष के एक मंत्री ने सरकार का बहिष्कार करके वहां से वो चले गए हैं। अभी तो संवैधानिक परिस्थिति बहुत खतरनाक हो चुकी है। और दूसरी बात, आप व्यवस्था बता रहे हैं कि टेप हो रहा है, ये बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का टेप चल रहा है, स्वास्थ्य मंत्री जी के में जवाब तलब हो रहा है, तो ये तो बहुत गंभीर बात है। अध्यक्ष महोदय ये सारे कामों को रोक दीजिए और अभी सिर्फ प्राथमिकता में इस सदन में मंत्री की स्थिति जब तक स्पष्ट ना हो, इस मामले में जब तक के आप कोई निर्णय में न पहुंच जाए या कोई व्यवस्था सुनिश्चित ना हो जाए, तब तक के सदन की कोई भी कार्यवाही चलाना जोर जबरदस्ती कोई अर्थ ही नहीं है। क्योंकि सदन अभी सदन तो प्रश्नवाचक चिन्ह में है, खास करके सत्तारूढ़ पार्टी प्रश्नवाचक चिन्ह में है कि आपके एक कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ मंत्री यहाँ पर उपस्थित नहीं है और उनके लगाए गए, उनके ऊपर लगाए गए आरोप और उनके द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं का अभी तक हल नहीं निकला है। तो प्रश्न पूछना होता है, आप तो उन मंत्री का यहाँ पर वो भी पेश कर रहे हैं, विधेयक भी पेश कर रहे हैं, कैसे होगा? दुनिया भर की बातें हैं। चंद्राकर जी आपने स्वयं कहा है प्रश्नकाल चलने देंगे, चलने दीजिए। डॉक्टर जायसवाल, जब सरकार ही नहीं है, जब सरकार ही नहीं है, प्रश्नकाल कैसे चलेगा? आप कॉन्स्टिट्यूशन देख ले, आप कॉन्स्टिट्यूशन देख ले। नहीं, आप माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था आपने दी है, आपने कहा यह विशेष अधिकार भंग का मामला है, भविष्य में नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि इसके ऊपर में विशेषाधिकार भंग कौन कौन कर रहे हैं इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। और जब तक चर्चा नहीं होती है तब तक ये सदन के चलने की कोई भावना नहीं है। और वैसे भी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जानकारी में लाना चाहता हूं कि हमारे अनुच्छेद 164 में कि मंत्री परिषद की राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, ये हमारे संविधान के 164 में उल्लेख है। जब मंत्री परिषद के ऊपर ही अविश्वास एक मंत्री ने व्यक्त कर दिया तो उसके बाद में मंत्री परिषद है कहां? वो मंत्री है कि नहीं है? और जब सरकार ही नहीं है तो इस सदन में चर्चा कैसे होगी? इसके साथ में आप अनुच्छेद 3 में जो विधायकों की शपथ है, जो मंत्रियों की शपथ है, उसको आप पढ़ ले, आप नहीं तो मैं पढ़ के बता देता हूं। उसको पढ़ने के बाद में तो इस सदन का वर्तमान में कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि एक मंत्री ने मंत्रिमंडल के ऊपर में, अगर आप चाहेंगे तो सदन में मंत्री जी ने क्या कहा है कि सरकार जब तक मेरी स्थिति स्पष्ट नहीं करती है तब तक इस सदन में मेरे बोलने का औचित्य नहीं है, रहने का औचित्य नहीं है। आपको इसके बाद तो कोई मामला बसता ही नहीं है। चलिए चलिए, नहीं मैं सुन, आपको ही बोल रहा हूँ, आपने, मैं आपको ही बोल रहा हूँ कि आप शब्द सह मंत्री जी के वक्तव्य को दोहराएं।
स्वास्थ्य परिवार एवं कल्याण मंत्री माननीय अध्यक्ष महोदय, अब बहुत हो गया। मैं भी एक इंसान हूं, मेरे बारे में, मेरे चरित्र के बारे में आप सब जानते हैं। शायद कुछ छुपे हुए पहलू हैं जो उजागर करने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे माता पिता, मेरे परिवार के संदर्भ में आप सब जानते ही होंगे। मैं केवल यह कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि आपके कहने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को चैम्बर में बुलाया, चर्चाएं हुई, कुछ निर्णय बताओ और बात हम लोगों के समक्ष हम लोगों के रहते तक हुई। उसके बाद यह बयान सीमित रूप में आना, मैं नहीं समझता कि मेरी स्थिति अब ऐसी है कि तब तक मैं सदन में उपस्थित हूं तब तक की स्थिति शासन की तरफ से स्पष्ट जवाब न आ जाए। तो मैं आपसे इजाजत लेकर तब तक के लिए, जब तक इसमें शासन की तरफ से मेरे संदर्भ में स्पष्ट जवाब नहीं आता है, मैं इस सदन के, इस पवित्र प्रजातंत्र के सदन की कार्यवाही में सम्मिलित होने के लिए अपने आप को योग्य नहीं समझता हूं। तब तक के लिए आप इसको समझ रहे? मैं समझ गया। नहीं, तब तक नहीं, तब तक नहीं, यह बहुत गंभीर मामला है। सुनिए ना, सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा है, एक मंत्री सरकार का विश्वास व्यक्त कर रहा है। मैं सब चीज तो सुन रहा हूँ ना, उसमें लिखा है। और मान लीजिए ये भी प्रिविलेज है, ये भी प्रिविलेज, ये भी एक अनुसार, ये भी प्रिविलेज है कि कोई मंत्री सदन के चलते हुए सदन छोड़कर चला जाए, ये भी एक प्रिविलेज है। और शासन पर आरोप लगाए तो पूरे शासन को, मैं सब चीज नियम कानून को समाप्त हो चुका है, सदन में आप कोई चर्चा नहीं हो सकती। मैं नियम कानून को ताक में रख के आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरी बात भी तो सुन ले। मैं ये चाहता हूँ, उनने कहा है तब तक के लिए जब तक आप स्थिति स्पष्ट न कर दें, आप स्थिति स्पष्ट कर दिए अध्यक्ष जी। नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अग्रवाल जी आप लोग सब बैठिए, चलिए मैं खड़ा हो गया हूँ, आप सब लोग बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए, मैं खड़ा हो गया हूँ। ऐसा माना जाता है कि जब
अध्यक्ष महोदय अपने पांव पर खड़े हों तो दूसरे लोगों को पड़ जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय कभी सरकार के पांव पे भी खड़े होते नहीं होते, एक पांव इधर है मेरा, एक पांव इधर है, अब मैं खड़ा हूं यानी बराबर खड़ा हूं। मैंने प्रश्नोत्तर काल में भी आपको जाने अनजाने नए ढंग से आपको खड़ा किया, सुना। मैंने आते ही माननीय नेताजी से कहा कि बाहर बहुत अच्छा मौसम है, पानी गिर रहा है बहुत, अरे नहीं मैं चाहता हूँ उसी तरह का मौसम यहाँ भी रहे। आप लोग जो ऐसा भी हो, कम संख्या में होते हुए भी आप लोगों ने जो भूमिका अदा की है, मैं विदेश की बात तो नहीं जानता, देश में उसकी चर्चा हो रही कि आपकी भूमिका, आप लोग अपनी जवाबदारी बहुत अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। मगर मगर एक एक मगर मुद्दे के हल्ला करते मुद्दे से भागते हैं अध्यक्ष जी। एक मिनट, एक बार में गर्रा धोखा भी आया। मैं चाहता हूं मेरे इस सदन में संसदीय सौहार्द बना रहे, मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूं। बना रहेगा, आपसे मैंने पढ़ाया, आपने आपने उसमें कहा, एक मिनट भैया, कि जब तक तब तक जब तक शासन मेरी स्थिति स्पष्ट नहीं कर देती, यही कहा है ना मंत्री जी ने, हम करवा देते हैं स्थिति स्पष्ट, मैं करवा देता हूँ। ये तो प्रिविलेज का मामला है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा सदन को छोड़कर चला जाना, ये भी इस सदन के प्रिविलेज का मामला है माननीय सदस्य के द्वारा। अब वो मंत्री नहीं है, नहीं मंत्री तो अगर वो छोड़कर चले गए, उनने ये नहीं कहा मंत्री नहीं, विश्वास कर दिया, उनने सिर्फ मंत्री नहीं है, उनने सिर्फ सदन में आने से मना किया। जो मंत्री लिया है तो मंत्री को मरने लगा है, उस ओथ के खिलाफ उनका कदम है, इसलिए ये स्पष्ट करना जरूरी है कि वो मंत्री है कि नहीं है। ये स्पष्ट देखिए माननीय अध्यक्ष महोदय, वो मंत्री है अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी व्यवस्था सुन ली, हमारे अनुच्छेद 164 में इस बात को कहा गया है कि मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व तो होगा। ठीक है, अगर कोई एक मंत्री सरकार के ऊपर में अविश्वास व्यक्त कर सदन छोड़कर चला जाए, मैं सोचता हूँ इससे बड़ी दुर्भाग्यजनक घटना दूसरी नहीं हो सकती। सदस्य तो नाराज होकर जाते हैं, परंतु कोई मंत्री चला जाए, और मंत्री भी आपसे नाराज होकर नहीं, मंत्री सरकार से नाराज होकर, जो सामूहिक व्यवस्था को जो सामूहिक देखिए देखिए मेरी बात, माननीय मंत्री जी ने, माननीय मंत्री जी ने सिर्फ एक ही बात है, आप देखिए आज भी बोल रहे हो डहरिया जी, डहरिया जी आप फिर से देख लीजिए, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि मैं आपकी अनुमति से, मैंने देख लिया आपकी अनुमति से ये विधानसभा हमारे संविधान के अनुसार चलेगी, नियम कायदे के अनुसार चलेगी, कि ये विधानसभा किसी के बयान के आधार पर चलेगी, ये विधानसभा संविधान के अनुसार गठित हुई है और सामूहिक जिम्मेदारी है। अगर एक मंत्री सरकार के ऊपर में आरोप लगाकर चला जाता है तो पहली बात तो ये सरकार अब बची ही नहीं है, क्योंकि सरकार के ऊपर में तो उसमें कोई आरोप है। दूसरी बात माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि उन मंत्री जी ने भी विशेषाधिकार भंग किया है कि वो यहां पर रहते हुए ये कहकर जाए कि वो विधानसभा में अब जब तक उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाए तब तक वो नहीं आएंगे। तीसरी बात कि जब वो चले गए, सरकार पर अविश्वास हो गया, तो आज की तारीख में मंत्री है कि नहीं है, पहली बात तो मंत्रिमंडल के सदस्य बच गए नहीं, और ऐसी स्थिति में मैं कोई उदाहरण नहीं देना चाहता, फिर भी आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी भी आपको याद होगा कि सदन से उठ के चले गए थे, सदन के से इस्तीफा दिया था सर, उसमें इस्तीफा देकर गए थे वो, मुझे याद है, मैं वो भी पढ़ रहा हूँ, वो इस्तीफा मंत्रिमंडल एक मिनट आपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया है, हालांकि प्रश्नकाल में नहीं होता पॉइंट ऑफ ऑर्डर, फिर भी माननीय मंत्री जी को मैं सुनना चाहता हूं। नहीं वो एक घटना में मंत्रिमंडल में उसके कारण उन्होंने ये कहा, लेकिन यहां तो बिना आरोप के वो है ना, इनके ऊपर बिना कोई प्रमाणित आरोप के, बिना कोई थाने में रिपोर्ट के उनके ऊपर आरोप लगा है, इसलिए बोले इस्तीफा देकर गए थे आडवाणी और इनके जमीन आसमान का अंतर। और जब तक मैं
इन आरोपों से बरी नहीं होऊंगा तब तक मैं सदन में नहीं आऊंगा। क्या मंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया? अच्छा दोनों मंत्री समकक्ष है, एक समकक्ष दूसरे समकक्ष है, कैसे जवाब देगा? अच्छा वो तो उस मामले में जवाब देने की स्थिति में नहीं है। उसी से तो नाराज होके गए थे, इसी से नाराज वो बार-बार में बोलते हैं। चलिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण आप सुन लीजिए। हमारा आपसे आग्रह दूसरा है, चलिए सुन लीजिए माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये गंभीर मामला है, संवैधानिक संकट है, आने वाले समय में ये नजीर बनेगी और जो नजीर गलत नजीर ना बने इसलिए हम चाहेंगे कि जब तक वो मंत्री सदन में नहीं आ जाए तब तक सदन की कार्यवाही चलाना उपयुक्त नहीं होगा। ठीक है। जो मंत्री यहाँ से सदन को छोड़कर गया है उन्होंने भी विशेषाधिकार भंग किया है और बिना इस्तीफा दिए उसका भी उल्लंघन किया है, संविधान का उल्लंघन किया है। जो उन्होंने विधायक की ओर ली है, मंत्री की ओर ली है, उसका भी उल्लंघन किया है। ऐसे समय पर तो मंत्री पद पर रह ही नहीं सकते और इसके बारे में सरकार के पास में कोई जवाब नहीं है। और इसके जब तक आपकी जानकारी में ये सब बातें नहीं आ जाती हैं, आप कक्ष में बुला के जानकारी ले लें, आपको दे दें। पर जब सरकार पर मगर जब आपने बात उठाई है, जब आपने एक मिनट भैया, आपके अध्यक्ष कार्यकाल में मैंने कहा, तुमने लिखा है जब तक शासन द्वारा स्थिति स्पष्ट नहीं होती तब तक मैं इस सदन में नहीं आऊंगा, इतना ही कहा। इस्तीफा देने की तो बात कही नहीं होती। नहीं नहीं, जो अगर जो सदन को छोड़कर चला जो उनका कदम है वो उसका है। मैं 164 पढ़ लीजिए ना, एक मंत्री मंत्रिमंडल के खिलाफ बोल के जाता है तो संवैधानिक संकट पैदा होगा। खिलाफ नहीं बोला माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको चले ना इतने सारे उदाहरण मत दीजिए। मैं आपको मंत्री की शपथ पढ़ के सुनाता हूँ, मैं आपको मंत्री की शपथ पढ़ के सुनाता हूँ। खाली सुन जाना आप भी शपथ ले चुके हैं, वो भी शपथ ले चुके हैं, आप भी शपथ लिए ले चुके हैं, वो भी शपथ ले चुके हैं। अब इनको छोड़िए, इन बातों को कहे के लिए आप कहिए ना। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों को श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। ये कि मैं भारत के विधि के द्वारा स्थापित संविधान के प्रति सच्ची और श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। संविधान की 164 अनुच्छेद बोलता है कि विधानसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी है। अगर उन्होंने हमारे भारत के संविधान का उल्लंघन किया, उन्होंने दूसरा शब्द कहा है कि मैं उन्होंने इसका उल्लंघन किया है। सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित। प्रश्नकाल डॉक्टर विनय जायसवाल। माननीय जायसवाल जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था आ जाए, आपकी व्यवस्था आ जाए इस पर। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय,
अमितेश भाई बैठ जाएगा, प्रश्नकाल तो ले रहा हूँ सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से सामूहिक जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करने के कारण उनको मंत्रिमंडल से निकाल दिया गया है, ये सूचना आपके पास आ गई है क्या? अगर आपके पास आ गई है आप हमें बता दें कि मेरे पास सूचना आ गई है कि सिंधिया को मंत्रिमंडल से निकाल दिया गया है। आप और हम जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करने के कारण आप और हम जब तक और तब तक में ही अटके हुए आप और हम जब तक और तब तक में अटके हुए हैं। मैंने कहा कि जब तक को मैं तब तक कर देता हूं, तब आप मानने नहीं, मैं नहीं। जब तक तब तक मैं नहीं अटका, हाँ। मैं संविधान में अटका। मैं नहीं, आप भी मैं संविधान की बात कर रहा हूं। उनने सिवाय जब तक और तब तक की बात कही है। मैं संविधान की बात कर रहा हूं। पूरी लोकसभा चलती है, विधानसभा चलती है, विधानसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी होगी। यह संविधान में लिखा है, संविधान के मंत्री ने अपने शपथ में कि मैं संविधान के अनुरूप अपना आचरण करूंगा। और संविधान का जब सामूहिक जिम्मेदारी ही नहीं है, संविधान का पालन नहीं हो रहा है, तो मंत्रिमंडल कोई है ही नहीं। जब मंत्रिमंडल नहीं है तो यहाँ जवाब कौन देगा? मंत्रिमंडल पूरी तरीके से मंत्रिमंडल बैठा हुआ, परंतु मंत्रिमंडल नहीं है, मंत्रिमंडल और ऐसी स्थिति में संविधान के अनुसार नहीं है, जब सामूहिक जिम्मेदारी का पालन नहीं हुआ। अरे मंत्री कैसे विलुप्त विलुप्त कहीं सवाल ही नहीं, किसी किताब किसी किताब में नहीं लिखा है और मंत्रिमंडल ये बड़ा संकट, ये संसदीय कार्य मंत्री का अपमान कर रहे, आप संविधान अध्यक्ष महोदय इसको विलोपित कराइए। विलोपित आप लोग हो गए, विलोपित आप लोग हो गए, क्योंकि सामूहिक जिम्मेदारी का निर्वहन। चलिए हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। ये सदन संविधान की रक्षा के लिए 10 दिन भी कर सकता है, 10 दिन भी व्यवधान हो सकता है। अगर संविधान ही सुरक्षित नहीं होगा तो हम कहां से सुरक्षित होंगे? इस संविधान के कारण हमको अधिकार मिला है बोलने का, अध्यक्ष ये बताने का, अध्यक्ष ये चर्चा करने का। संविधान के कारण हमको अधिकार मिला है। सदन दो दिन से ये मोहन जी की सारी बात, संविधान कराइए आप। मंत्री और बृहस्पति सिंह के मामले में सदन में लगातार अभी चर्चा हो रही है। एक तो यहाँ बयान देके चले गए हैं, दूसरे के बारे में ये चर्चा है बाजार में कि उनको बलपूर्वक यहाँ आने से रोक दिया गया है। तो आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी सुरक्षा है कि नहीं, उनको फोर्सली कोई रोका तो नहीं गया है। और ये पूरा मनग्रहण है तो प्रॉपर
खतरा उनकी लड़ाई आप सदन को गुमराह कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी। गंभीर मामला आ गया। चलो मंत्री जी, मैंने आपने एक नया विषय दिया। अभी तक आपने बृहस्पति सिंह सदन के वरिष्ठ सदस्य की सुरक्षा का मामला है, बोल नहीं रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? और अगर वो यहाँ आ गए तो क्या मानेंगे, क्या जो बोल रहे हैं? आप कुछ कहे आरोप गलत है तो कार्रवाई करो कि मेरी हत्या की है और हमने जो कहा है वो गलत है तो आप कार्रवाई करिए। हमने शंका जाहिर की है चलिए चौबे जी आप जांच करा लीजिए। चौबे जी आप माननीय अध्यक्ष महोदय लगातार गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रपति सिंह जी माननीय अध्यक्ष महोदय अब चलिए आप साहब आप लोग बैठ जाएंगे। चलिए माननीय अध्यक्ष महोदय ये स्पष्ट हो गया कि मनगढ़ंत आरोप लग रहे हैं। डॉक्टर विजय जायसवाल माननीय अध्यक्ष अध्यक्ष जी बोलो पूरा प्रदेश देख रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। असद के बाद बृहस्पत सिंह के बारे में जो बात कही आज बृहस्पत सिंह मौजूद है। चलिए छोड़िए आप बकवास करते हैं। इससे बड़ा झूठ किस हो सकता है? संसद की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित।